हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मेसी जोन में। मैं हूं आशुतोष शुक्ला। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के चैप्टर 7 को, जो कि है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। और आज इस चैप्टर के हम लोग जो टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है ब्लड वेसल्स एंड ब्लड सप्लाई थ्रू द हार्ट। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि ब्लड वेसल्स क्या होते हैं और किस तरीके से ये काम करते हैं, और उसी के साथ साथ कि ब्लड हार्ट के थ्रू किस तरीके से ब्लड की सप्लाई होती है। आइए स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्लड वेसल्स क्या होते हैं। तो ब्लड वेसल्स आर अ टाइप ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्यूब। ब्लड वेसल जो है ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब है। बॉडी में एक ट्यूब्स नुमा एक नेटवर्क पाया जाता है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसके थ्रू पूरी बॉडी में थ्रू आउट बॉडी ब्लड सप्लाई होता है, थ्रू आउट बॉडी ब्लड की सप्लाई होती है। तो ब्लड वेसल्स जो है, ब्लड वेसल्स आर अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब बाय विच ब्लड इज सप्लाइड थ्रू आउट द बॉडी। हार्ट से ब्लड पूरी बॉडी में जो सप्लाई होता है वो किसकी वजह से होता है? ब्लड वेसल्स की वजह से। अब ब्लड वेसल्स जो होते हैं ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के होते हैं, और उनके फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं। मीन्स ब्लड वेसल्स आर वेरी इन टाइप, वेरी इन शेप एंड वेरी इन स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो दे आर वेरी इन देयर फंक्शन। तो अब हम देखते हैं जो सबसे पहली ब्लड वेसल्स होते हैं वो होती है आर्टरीज। आर्टरीज जो होती हैं ये ब्लड वेसल्स, फर्स्ट ब्लड वेसल्स होती हैं ये आर्टरीज। एक तरीके की ये ब्लड वेसल्स ही हैं जो कि ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी में सप्लाई करती हैं। आर्टरीज जो होती हैं, आर्टरीज टेक ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज जो होती हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ब्लड ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड कैसे होता है वो अभी हम आगे ब्लड सप्लाई में डिस्कस करेंगे। तो आर्टरीज जो होती हैं, फॉर एग्जांपल ये आपकी मान लीजिए ये है क्या आर्टरीज। आर्टरीज जो होती हैं ये फर्दर एक टीनी नेटवर्क में ये चेंज हो जाती हैं, ये इस तरीके से ये चेंज हो जाती हैं नेटवर्क्स में। मतलब आर्टरीज फर्दर डिवाइड हो जाती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स में, जिसे कहते हैं हम आर्ट्रियोल्स। आर्ट्रियोल्स पहले होगी आर्टरीज, फिर ये आर्टरीज फर्दर टीनी नेटवर्क्स में डिवाइड हो जाएंगी जिन्हें हम कहते हैं आर्ट्रियोल्स, फिर ये आर्ट्रियोल्स फर्दर डिवाइड हो जाते हैं किसमें? कैपिलरीज में। ये आर्ट्रियोल्स जो है ये फर्दर डिवाइड हो जाएंगे स्मॉल कैपिलरीज में, और ये जो आर्टरीज हैं कैपिलरीज हैं ये थ्रू आउट द बॉडी डिस्ट्रीब्यूटेड रहती हैं, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड रहती हैं। तो आर्टरीज से ब्लड आता है, आर्टरीज से ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से जो एरोटा में चला जाता है, फिर वो कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू आर्टरीज से ब्लड आता है आर्ट्रियोल्स में, देन आर्ट्रियोल्स से ब्लड आता है कैपिलरीज में, और कैपिलरी में जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में मींस कि इस ब्लड में ऑक्सीजन के साथ साथ यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। तो कैपिलरीज क्या करती हैं, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है मींस यहाँ से इस ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को डिफ्यूज कर देते हैं इसमें सेल्स और टीशूज में, सेल्स एंड टीशूज में। मींस कैपिलरीज के थ्रू जो ऑक्सीजन है और जो न्यूट्रिएंट है जो ब्लड के द्वारा कैरी किया जा रहा है वो डिफ्यूज हो जाता है सेल्स एंड टिश्यूज में, डिफ्यूज मतलब वहां पे पहुंच जाता है। और उसी के साथ
यहाँ से जो सेल्स और टिश्यूज में जो कार्बन डाइऑक्साइड था इसको ब्लड कैरी कर लेता है, मीन्स कि कैपिलरीज से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट ट्रांसफर हो जाते हैं सेल्स और टिश्यूज में, वहां से ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ ले लेता है और यहीं से यहाँ तक कैपिलरीज तक जो ब्लड था वो था ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि कैपिलरीज तक जो ब्लड था उसमें ऑक्सीजन ऐड था, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। बट कैपिलरीज के आगे जो ब्लड हो जाएगा वो आपका ब्लड हो जाएगा कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देन कैपिलरीज आगे, ये जो कैपिलरीज है ये आगे आके मर्ज हो जाती है, कैपिलरीज मर्ज मतलब कैपिलरीज मिल जाती है मर्ज इनटू स्मॉल वेन्यूल्स, ये स्मॉल वेन्यूल्स में आके मिल जाती है, स्मॉल वेन्यूल्स में मिलके फिर ये स्मॉल वेन्यूल्स आगे चल के कन्वर्ट हो जाते हैं लार्ज वेन्स, और इन स्मॉल वेन्यूल्स और लार्ज वेन्स में जो ब्लड होता है दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेन्स के थ्रू ब्लड हमारा पहुंच जाता है कहाँ पे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाता है हार्ट में, और वो किस तरीके से डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड होता है वो हम अभी आगे देखेंगे। तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स में जो हमने देखा कि मेनली पांच तरीके के ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, आर्टरियोल्स, कैपिलरीज, स्मॉल वेन्यूज एंड लार्ज वेन्स, और ये आर्टरीज जो होती हैं ये ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती हैं, यानी ये ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, और वहीं जो वेन्स होती हैं वेन्स ब्लड बैक टू द हार्ट, वेन्स जो होती हैं वो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस ले आके कहाँ पे पहुंचा देते हैं, हार्ट के पास। तो ये हो गए हमारे ब्लड वेसल्स, पांच तरीके की ब्लड वेसल्स होते हैं और सबके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, और उसी के तरीके से जिस तरीके से आर्टरीज होगी, आर्टरीज का साइज थोड़ा बड़ा होगा सेप बड़ा होगा, आर्टरियोज का सेप उससे कम होगा साइज उससे कम होगा, फिर जो हमारी कैपिलरीज हैं वो और टिनी और नैरो होती जाएंगी। अब हम आ जाते हैं ब्लड सप्लाई के कि ब्लड सप्लाई थ्रू द हार्ट, हार्ट से ब्लड किस तरीके से सप्लाई होता है। तो हार्ट से जो ब्लड की सप्लाई होती है वो मेन तीन स्टेप में पूरी ब्लड सप्लाई या पूरा जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है वो तीन स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड हमारा पहुंचता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो अभी हमने देखा कि वेन्स के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा पहुंच जा रहा था हार्ट में, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसी पल्मोनरी सर्कुलेशन के थ्रू लंग्स में पहुंचता है और ऑक्सीजन उसमें ऐड हो जाता है और वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। इसके पूरे स्टेप्स को अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। देन सेकेंड है कोरोनरी सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन जो कि अभी हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से हमारा कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू, आर्टरीज से आर्टरियोल्स, आर्टरियोल्स से कैपिलरीज एंड कैपिलरीज से फिर डिफरेंट टिश्यूज में सेल्स में ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट ब्लड के द्वारा सप्लाई किया जाता है, वही है कोरोनरी सर्कुलेशन। एंड थर्ड जो है जिसे कहा जाता है वेनस ड्रेनेज, यानी कि वेन्स के थ्रू हमारे बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और भी जो वेस्ट मटेरियल है वो ब्लड के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन में पहुंच जाते हैं, एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पुनः हार्ट में दोबारा हार्ट में पहुंच के वो फिर ऑक्सीजनेटेड यानी पल्मोनरी सर्कुलेशन में पहुंच जाता है। तो कोरोनरी सर्कुलेशन और वेनस ड्रेनेज को अभी हमने ब्लड वेसल्स में भी डिस्कस कर लिया। अब हम मेन डिस्कस करते हैं जो कि हमारा मेन टॉपिक है दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी बॉडी की दो लार्जेस्ट वेन होती है, टू लार्जेस्ट वेन ऑफ बॉडी इज सुपीरियर वेना कावा,
सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, ये हमारी बॉडी की दो लार्जेस्ट वेन। इसको हम एक डायग्राम भी ड्रा करते, एक रफ डायग्राम हट कर ड्रा कर लेते हैं, उसके थ्रू भी समझते चलेंगे। तो ये है हमारा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये है हमारा हार्ट, हार्ट हमारा इस तरीके से, ये थोड़ा आपने पहले डिस्कस किया इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कि हार्ट हमारा लेफ्ट की ओर शिफ्टेड रहता है। तो हार्ट में अब यहाँ पे ये पाए जाते हैं, ये दो लार्जेस्ट वेन होती है, इसे हम कहते हैं सुपीरियर वेना कावा और ये होती है इंफीरियर, इसे हम कहते हैं सुपीरियर वेना कावा और ये होती है इंफीरियर। तो जो टू लार्जेस्ट वेन सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा कैरी द ब्लड, या ये ब्लड को लेके आते हैं कहाँ पे, यहाँ पे पाया जाता है राइट आर्ट्रियम, ये लेके आ जाते हैं ब्लड को कहाँ पे, राइट आर्ट्रियम, ये ब्लड को पहुंचा देते हैं राइट आर्ट्रियम में। जो और ये जो सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा, इन दोनों वेन्स के थ्रू जो ब्लड आ रहा है, ये ब्लड है हमारा कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे। अभी अब उसके बाद अभी हम डिस्कस करेंगे कि जो पल्मोनरी वेन्स एंड पल्मोनरी आर्टरीज होती है, जो जनरल वेन और जनरल आर्टरीज होती है, इनका दोनों का काम बिल्कुल अलग होता है। अब पल्मोनरी वेन्स के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा आया कहां पे, राइट आर्टरियम में। अब राइट आर्टरियम से फिर ये पहुंचेगा कहां पे, आपका ये पहुंच जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में पहुंचने के लिए यहां पे एक होता है आर्टरियो एवी वॉल, आर्टरियो वेंट्रिकुलर वॉल, और राइट आर्टरियोवेंट्रिकुलर वॉल यानी राइट एवी वॉल जो होता है उसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल। तो ये जब राइट आर्टरियम में ब्लड आ जाएगा हमारा, तो राइट आर्टरियम में यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा और ये वॉल ओपन हो जाएगा और ब्लड हमारा पहुंच जाएगा कहाँ पे, ये थ्रू एवी वॉल, थ्रू आर्टरियोवेंट्रिकुलर वॉल के ब्लड हमारा पहुंच जाएगा कहां पे, राइट वेंट्रियम। तो इतना ब्लड हमारा कहां से, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से ब्लड पहुंचा राइट आर्टरियम में, और राइट आर्टरियम से फिर ब्लड थ्रू द एवी वॉल ये पहुंचा राइट वेंट्रिकल में, और फिर राइट वेंट्रिकल से यहां पे ये यहाँ पे पाई जाती है पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज, ये दोनों क्या है, ये है पल्मोनरी आर्टरीज। राइट वेंट्रिकल से ब्लड पंप हो जाता है, ब्लड चला जाता है कहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज मतलब पल्मो मींस होता है लंग, और ये जो पल्मोनरी आर्टरीज होती है ये भी यहाँ से जब ब्लड यहाँ पहुंचेगा, तो यहाँ पे राइट वेंट्रिकल से ब्लड जब हमारा पल्मोनरी आर्टरीज में पहुंचता है, तो यहाँ पे भी पल्मोनरी आर्टरीज में पाया जाता है पल्मोनरी वॉल, पल्मोनरी वॉल मीन्स पल्मोनरी आर्टरीज आर गार्डेड बाय द पल्मोनरी वॉल। फिर पल्मोनरी वॉल ओपन हो जाता है, ब्लड हमारा पहुंच जाता है पल्मोनरी आर्टरीज में, और पल्मोनरी आर्टरीज इसको लेके चले जाती है लंग्स में, लंग्स में जब यह हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाता है, तो वहां पे होता है गैसियस एक्सचेंज, यानी गैसियस एक्सचेंज का मतलब यह है कि हमारा जो ब्लड था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये जो ब्लड आया पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू, ये कौन सा ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी इसमें ऑक्सीजन नहीं था, अब लंग्स में हमारे ब्लड में ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें हमारा जो ब्लड है इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा और ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। तो जो ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा यानी ये ब्लड हो गया हमारा क्या,
ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इस ब्लड के यहाँ से दोनों हार्ट के दोनों साइड पे पाए जाते हैं क्या, पल्मोनरी वेन्स, इन्हें कहते हैं पल्मोनरी वेन्स। हार्ट के दोनों साइड पे पाए जाते हैं पल्मोनरी वेन्स। तो इन पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, इन्हीं पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इन्हीं पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू द पल्मोनरी वेन ये आ जाता है कहां पे, लेफ्ट आर्ट्रियम। और लेफ्ट आर्ट्रियम से ये ब्लड आपका पहुंच जाएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम से ब्लड पहुंच जाता है कहां पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से यहां पे होते हैं एओर्टा, इस तरीके से ये पहुंच जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड हमारा पहुंच जाता है कहां पे, एओर्टा में, यानी पल्मोनरी वेन्स से ब्लड पहुंचेगा लेफ्ट आर्ट्रियम में। और यहां पे भी लेफ्ट आर्ट्रियम में आने के बाद यहां पे एक वॉल, लेफ्ट आर्टेरियोवेंट्रिकुलर वॉल पाया जाएगा जिसे कहते हैं मिट्रल वॉल। तो इस ये जब लेफ्ट आर्ट्रियम में ब्लड आएगा यहां पे प्रेशर बढ़ जाएगा, ये वॉल ओपन हो जाएगा और ब्लड हमारा पहुंच जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में, और एओर्टा में लेफ्ट वेंट्रिकल से जब एओर्टा में जाएगा तो यहां पे भी एक वॉल पाया जाएगा जिसे हम कहते हैं एओर्टिक वॉल। तो यहां पे ये जो ब्लड आया ऑक्सीजनेटेड, यानी अभी हमने देखा कि वेन्स के थ्रू जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्टेरियम में आया वो राइट आर्टेरियम से फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में पहुंचा, और लंग्स में वहां पे गैसियस एक्सचेंज हुआ यानी उसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ, वो ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आ गया लेफ्ट आर्टेरियम, लेफ्ट आर्टेरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा, और एओर्टा से फिर आगे आर्टरीज के थ्रू, आर्टरीज, आर्टरियोल्स और कैपिलरीज के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये था गाइस पल्मोनरी सर्कुलेशन। यहाँ पे एक चीज आपने देखी कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में जो पल्मोनरी आर्टरीज ये किस ब्लड को कैरी कर रही है, ये डीऑक्सीजनेटेड को कैरी कर रही है। पल्मोनरी आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है और पल्मोनरी वेन्स जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। बट जनरल जो आर्टरीज होती है, जो एओर्टा के बाद जो आर्टरीज होंगी वो क्या करती है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और वेन्स जो होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। बट इन केस ऑफ पल्मोनरी वेन्स एंड आर्टरी ये चीज जस्ट अपोजिट। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक ब्लड वेसल्स एंड ब्लड सप्लाई टू द हार्ट। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, और टॉपिक के पीडीएफ नोट को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।